अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नास एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए आज देखेंगे हम साइंस सेकेंड का चैप्टर नंबर 3, जानदारों में हयाती अफवाल हिस्सा दुअम। क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं हम लोग। मैंने इससे पहले पार्ट 1 में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख ले वहाँ से। ठीक है, सबसे पहला जो है सही मुतबादल चुनकर इसके हुर्फ तहजीक को जमनी सवाल के नंबर सामने लिखिए, नंबर के सामने लिखिए। पहला है जिनिन की तनजीम डेस उजू में होती है, तो आपको ऑप्शन सी जो रहम है वो राइट है। दूसरा है बजरदान के जौफ में डैश तकसीम की वजह से बजरे बनते हैं, तो जो आपका ऑप्शन डी है तकलीली वो राइट है। तीसरा है इंसानी मनिया की तैयारी डैश में होती है, तो ऑप्शन बी जो है फौते वो राइट है। और चौथा क्वेश्चन जो है इंसानों में डैश क्रोमोसोम नर जानदार की जींस का तौइन करता है, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट है, क्योंकि आपको पता है कि जो मादा होती है उसमें 22+XX होते हैं, है ना, लेकिन जो नर होता है उसमें 22+XY होते हैं। अगर अपना मादा कोई भी देगी, दोनों में से कोई एक भी देगी, तो उसका एक्स ही आएगा, लेकिन अगर नर अपना एक्स और वाई देता है, एक्स वाई में से अगर अपना एक्स देता है तो वो गर्ल्स होगी, अगर वाई देगा तो वो बॉयज़ होंगे, यानी बॉय होगा, लड़का होगा। तो इसीलिए नर क्या होगा वो सी ऑप्शन आएगा आपका, वाई। पांचवा है जिस्म के कई टुकड़े होने के बाद हर टुकड़ा एक जानदार बनकर ज़िंदगी गुजारने लगता है, इस किस्म की तौली डैश कहलाती है, तो आपका ऑप्शन बी जो है तजियाकारी वो राइट है। सवाल नंबर 1 का बी है जोड़ियाँ लगाइए, हर एक के लिए एक नंबर है, दो बॉक्स है, आपके हेडिंग है तौलीद के अकसाम, दूसरा है मिसालें। तो पहला जो है तजियाकारी उसका आएगा तीसरा साइकान, और दूसरा जो है उफ की तकसीम दो उसका आएगा पैरामीशियम। दूसरा है सही या गलत पहचानिए, मनी में ग्लूकोज नामी शक्कर मौजूद होती है, तो ये गलत है। तीसरा है मुतफरिक जुज़ अलहदा कीजिए, तो है मूली गाजर आलू शकरकंद, तो आलू अलग है। चौथा है नाम लिखिए गैर जिंसी तौलीद के तरीके, तो आपका जो पेज नंबर है, आपका जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर है 23, उस पर बताया गया हुआ है। पहला है तकसीम दोई कसीर तकसीम कलिया बाज़ पैदाइश, और है तजियाकारी, है ना। तो आप इनमें से जो 5 है, तो इनमें से आप कोई 3 भी लिखते हैं, 4 भी लिखते हैं अगर, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सवाल नंबर 2 का है साइंसी वजूहात लिखे, हर एक के लिए 2 नंबर है। पहला है नबातात में फूल जिनसी तौलीदी अमल की अफवाली इकाई है, इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं है, अगर होता तो हम उसी में से बता देते, इसके आंसर थोड़े कट कट करके इसीलिए डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, और आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, आंसर सुनिए। फूल में नर और मादा दोनों जुआज़े तैयार होते हैं, इस काम के लिए नर कोट और मादा कोट के लाजमी हलके मौजूद होते हैं। फूल में दोहरी बारहवीं का अमल होता है, इससे बीज और फल भी तैयार होते हैं, इसीलिए फूल नबातात में जिनसी तौलीदी अमल की अफवाली इकाई है। दूसरा क्वेश्चन है जिनसी तौलीद के अमल से पैदा होने वाले नामौलूद में हमेशा दोनों वालिदैन की जीन मौजूद होते हैं, इसका आंसर भी कुछ इसी तरह है, बुक में नहीं था इसीलिए एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं आपको। दूसरा सॉरी आंसर है जिनसी तौलीद के दौरान नर और मादा दोनों के इकहरे जुआज़े मिलाप करके दोहरा जुआज़ा तैयार होता है, इसी तरह जुफ्ते में वालिदैन के क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, जो नर और मादा जुआज़े के ज़रिए उनमें मुंतकिल हो जाते हैं। जुआज़े की तैयारी के दौरान उनमें तकलीली तकसीम अमल होता है, जिसमें जिनियाती मिलाप होता है, इसीलिए जिनसी तौलीद के अमल से पैदा होने वाले नामौलूद में हमेशा दोनों वालिदैन जीन मौजूद होते हैं, यानी दोनों वालिदैन के जीन मौजूद होते हैं। तीसरा है नबातात में दोहरे बारावरी का अमल होता है,
तो जो इसका आंसर है आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर जो है पेज नंबर 27 पर है। देखिए आपको एक शक्ल दिखाई गई है 3.14 बंद बीजा नबातात में दोहराया अमले 12वें लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर पैराग्राफ है, उसके जस्ट ऊपर जो पैराग्राफ है सिर्फ वही। चलिए आंसर सुनिए। वज्रदान से बज्र मादा कोट की कलगी पर मुंतकिल होते हैं, इस अमल को अमल जेरगी कहते हैं। जेरगी का अमल गैर जानदार हवा पानी और जानदारों कीड़े मकोड़ों या दिगर जानदार के जरिए अंजाम पाता है। जेरगी के दौरान लेसदार कलगी पर जेरे मुंतकिल होकर उपजते हैं, यानी इनमें दो नर जवाजे तैयार होते हैं और एक लंबी जेरा नली तैयार होती है। नाए गुल से होते हुए बैजादान तक पहुंचती है, जेरा नली दो नर जवाजे ले जाती है। यहाँ जेरा नली का सर फटता है और दोनों नर जवाजे बैजादान में दाखिल हो जाते हैं। इनमें से एक नर जवाजे बैज खलिया से मिलाप करके जुफ्ता तैयार करता है, इस अमल को ही बार आवारी कहते हैं। दूसरा नर जवाजा दोनों खुदबी मरकजों से मिलकर दर व तख्तम तैयार करता है, इस अमल में दो नर जवाजे हिस्सा लेते हैं, इसीलिए इसे दोहरे अमल बार आवारी कहते हैं। यहाँ तक आपका आंसर है। सवाल नंबर दो है, खबे है मंदरजा झेल सवाल के जवाब लिखे, हर एक के लिए दो नंबर है। पहला है कोई दो जिनसी बीमारियों के नाम लिखे, अगर आपका इसका नाम जाना तो आपका जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर है सबसे आखिरी जो है इस चैप्टर का चैप्टर सॉरी 34 पेज नंबर, उसमें देखिए सबसे ऊपर जो पहली लाइन है आतिशक और सोजा ये दो बीमारियों के नाम लिख लेंगे, आपका तो आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है जिंसी और गैर जिंसी तौलीदी अमल में क्या फ़र्क है, तो आपका जो वही जो है टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है जिंसी तौली, दोनों में फ़र्क बताया हुआ है, आप वो आंसर लिख सकते हैं इसमें। तीसरा है IVF मसनू बराबरी के तरीके की वजाहत कीजिए, तो आप इसका आंसर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32 पे आइए, 32 पे आइए, वहाँ पे तौलीदी और जदीद टेक्नोलॉजी यानी रिप्रोडक्शन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी हेडिंग है। उसके बाद साइड हेडिंग उसके नीचे जस्ट नीचे जो एकदम डार्क ब्लैक कलर से लिखा हुआ है मसनू बार आवारी, तो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो इसका आंसर है, उसके जो पैराग्राफ है ना पूरा वो पूरा आएगा, आंसर सुन लीजिए। इस तकनीक में इम्तिहानी नली में बार आवारी का अमल अंजाम पाता है और मुनासिब वक्त में औरत के रहम में जिनिन की तनसीब की जाती है, उनमें की कम तादाद बैज खलिया का बैज नली में दाखिल होने में रुकावट वगैरह औलाद ना होने के असबाब हो तो IVF तकनीक इस्तेमाल करके औलाद की जा सकती है। यहाँ तक आपका आंसर है। उसके बाद है चौथा है प्याला गुल और ताजे गुल के अफवाल बयान कीजिए, तो इसका आंसर भी आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर जो है 26 जो है ना उस पे है, तो 26 में जो अलीफ लिखा हुआ है ना अमले बारावरी की जो नीचे जैसा ज़रा सोचिए कि नीचे जो अलीफ है नबात में जिनसी तौलीद, तो वो जो आपका पैराग्राफ है उसमें आपको इसके अफवाल मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसके आंसर ले लें। पाँचवा है नबाताती सॉरी नबाती अफजाइश नस्ल की वजाहत कीजिए, तो इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 25 पर है। देखिए यहाँ पे कलियाँ जो है उसके जस्ट नीचे जो ब्लैक कलर से डार्क लिखा हुआ है चौथा नबाती अफजाइश नस्ल, तो उसका पैराग्राफ आएगा नबातात में जड़ तना पत्ते और कली जैसे नबाताती अज्जा के जरिए होने वाली तौलीद को नबाती अफजाइश नस्ल कहते हैं। आलू की सतह पर आँख यानी कली के जरिए या पान पत्ती में पत्तों के हाशिए की कली के जरिए नबाती अफजाइश नस्ल होती है। गन्ना घास जैसी नबातात में मौजूद गांठों पर मौजूद कलियाओं की मदद से नबाती अफजाइश नस्ल होती है। गाजर मूली शकरकंद जैसी नबातात में जड़ों के जरिए नबाती अफजाइश नस्ल अफजाइश अंजाम पाती है। यहाँ तक आपका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सवाल नंबर 3 है मंदरजा झेल सवालों के जवाब लिखिए, हर एक के लिए 3 नंबर है। पहले का ए है मंदरजा झेल शक्ल में मैकर की नई कॉलोनियाँ किस तरह बनती है, तो देखिए वही आपका जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 25 है, आइए अमल करके जो देखिए ना। सबसे पहले 3.11 जो लिखा है ना बजरों का बनना, पाँव का टुकड़ा बताया है, कुछ शक्ल बताई गई है, तो उसके जस्ट इधर जो लिखा हुआ है मैकर जैसी फफूंद का जिसमें रेशेदार होता है इसमें बज्रदान फट बज्रदान होते हैं, बज्रदान में बज्र तैयार होने के बाद बज्रदान फट जाता है और बज्र आज़ाद होकर गर्म व मरतू मुकाम में उपजते हैं और इनमें नया फफूंद तैयार होता है। यहाँ तक आपका आंसर रहेगा।
दूसरा जो है बी, बराबरी की तारीफ लिखिए। तो इसका आंसर है ना, आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 पे आइए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है अमले आवरी फर्टिलाइजेशन, है ना। तो इसका आंसर कहाँ तक आपको लेना है, इस अमल में नर ज्वाजा और मादा ज्वाजा जैसे यक गुना कलियों के मिलाप से एक गुना युफ्ता तैयार होता है, इस अमल को बराबरी कहते हैं। यहाँ तक आपका आंसर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, मंदरजा झेल शक्ल में ए बी सी निशान करदा हिस्सों के नाम लिखिए और अफवाल लिखिए। तो आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 29 पे आइए। उसके बाद आपको एकदम साइड हेडिंग मिलेगी, एकदम डार्क ब्लैक से, इंसानी मादा तौलीदी निज़ाम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसका जो पैराग्राफ है आपको फोटोज़ भी दिया हुआ है, 4:17, है ना। वो फोटोज बताया हुआ है, उसमें नाम मिल जाएंगे आपको, और फिर उसके साइड में जो पैराग्राफ है उसमें आपके जो उसके अफवाल क्या काम है वो बता दो, वो भी है। तो आप वहाँ से आप आंसर ले लीजिए। तीसरा है, मुख्तलिफ मुआलजती जाँचों के बावजूद बेशुमार जवाजीन औलाद से मुतरिम हो जाते, इस हालत में आप कौन सी इमदादी तदबीर तजवीज़ करेंगे। तो इसका आंसर भी आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर है ना 32 पे है, तो वही जो रेड कलर से लिखा है तौलीद और जदीद टेक्नोलॉजी। तो उसके नीचे जो 4 लाइन का वो पैराग्राफ है, पहले वो आप लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मंदरजा झेल इंसदादी तदबीर तजवीज़ करेंगे। उसके बाद पहले नंबर एक लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मस्नूई बारहवीं यानी IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नंबर दो लिखेंगे मुतबादिल माँ, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 में जो बताया हुआ है स्पॉम बैंक यानी यमनविया बैंक जो बताया हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर हो गया। चौथा है, यह कुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीदी की किस्म के साथ तौलीदी के किस्मों के साथ लिखिए। तो आपका इसका आंसर है ना टेक्स्ट बुक पेज नंबर 23 जो है उस पर बताया हुआ है, अलिफ लिखा हुआ है एकदम साइड हेडिंग, यह कुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद, है ना। तो उसमें का पहला है तकसीम दोई है ना, कसीर तकसीम दोई है। उसके बाद है कलियाओ, है ना, और उसके बाद है तकजी सॉरी कलियाओ, बस यहाँ तक ये 3 नाम लिख लीजिएगा, इनकी मिसाल हो गई। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन है, महावारी किसे कहते हैं, मुख्तसर मालूमात लिख दीजिए। तो आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31 पे आइए, उसमें एक येलो कलर का बॉक्स है, उसके नीचे जस्ट नीचे देखिए लिखा हुआ है हैज़ का दौर। तो जो पूरा पैराग्राफ बताया हुआ आपको वहाँ तक पूरा पढ़ना होगा और समझना होगा, ये पूरा पूरा पैराग्राफ आएगा इसका आंसर। सवाल नंबर 4 है, मंदरजा झेल सवालों के जवाब लिखिए, हर एक के लिए 5 नंबर है। देखिए नंबर एक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 5 दिए गए हैं, फिर बी में 5 दिए गए, इस तरह के क्वेश्चन डिवाइड कर दिए गए आपको। तो नंबर 1 में है, नबातात में जिनसी तौलीदी अमल के अफवाल इकाई कौन सी है, ठीक है। तो इसमें इसका जो ये आंसर है आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 पे आए, वहाँ पे अलिफ लिखा हुआ है, ज़रा सोचिए कि नीचे नबातात में जिनसी तौलीद ये टॉपिक है उसका, और उसके नीचे जो पैराग्राफ है उसमें उसका आंसर है आप लिख लीजिए। बी है, दो जिनसी फूल से क्या मुराद है, पेज नंबर 26 पे ही है, नीचे से 3री लाइन है, अगर एक ही फूल में नर कोट और मादा कोट दोनों हीरे से मौजूद है तो उसे दो जिनसी फूल कहते हैं, मसलन जासूंदी, है ना। सी जो है प्याले गुल का फल लिखिए। तो जो प्याला गुल है उसका काम है नबातात के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करना। डी है ताज़े गुल का फहल लिखिए। तो जो ताज़े गुल है उसका काम है जेरगी के लिए कीड़े मकोड़ों को अपनी जानिब कशिश करना और नबातात के अंदरूनी हिस्सों की भी हिफाजत करना। उसके बाद ये अमले जेरगी के हयाती ज़रा कौन से हैं, जो जेरगी का अमल है वो गैर जानदार में हवा पानी के जरिए अंजाम पाता है, और जानदारों में कीड़े मकोड़े और दीगर जानदारों के जरिए अंजाम पाता है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, दर्जेल अज़ा के अफवाल लिखिए। ए है फौते, तो फौते का काम क्या होता है कि मनविया और नर मुहरका यानी टेस्टोस्टेरोन पैदा करना। बी है बैजादान, तो बैजादान का काम होता है बैजा तैयार करना और मादा मुहरकाब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन तैयार करना।
सी है रहम, तो रहम के अमल के दौरान जीन की नशोनुमा और बालिदगी, बच्चे की पैदाइश के वक्त सिकुड़ना और ढकेलना। डी है मनवी केसा, तो मनवी केसा का काम होता है मनवी रतुबत का अफराज जो मनी का बड़ा हिस्सा है, मनवी की तजियाती मादा मुहैया करवाना। उसके बाद है दर्ज ज़ेल में कौन से तरीके की गैर जिंसी तौलीद होती है, तो ए है स्पायरोगायरा, तो स्पायरोगायरा जो है उसमें तजियाकारी होती है, और जो प्लानेरिया है प्लानेरिया में बाज पैदाइश होती है, और जो हाइड्रा है हाइड्रा में गुंचाकारी होता है, और जो नबा सॉरी आलू है उसमें नबाती अफजाइश नस्ल होती है, और जो पाव है उसमें पाँव में बुजुर्गों का बनना होता है। अगर आपकी इसको आंसर देखें तो आपकी जो पेज नंबर है ना टेक्स्ट बुक का 24 और 25 देखिए, उस पर आपको आंसर मिल जाएगा। स्पायरोगायरा की शक्ल दी, उसके नीचे तजियाकारी लिखा, यानी वो इसकी ये है गैर जिंसी तौलीद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला चैप्टर है सबक नंबर 4 माहौल का हुस्न इंतज़ाम है ना। सबसे पहले ये एक तरीके से बोलो तो जीके के तौर पर ये चैप्टर है, अगर आपको जीके याद हो समझ में आता है ये है, फिर इसके बेस पे ये चैप्टर है। ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का हरफ तेजी ज़मीनी सवालात के नंबर के सामने लिखिए। आसाम में वाक़ कौन सी तहफ़ का बंद और पानी की बेतहाशा इस्तेमाल से ख़तरा लाहक है, तो ऑप्शन सी जो है मानस वो आएगा, और नादर नस्ल की मिसाल है रेड पांडा, तीसरा है आसाम के जोहाट में कोकिला मक के मुकाम पर जंगल को डैश के नाम से जाना जाता है, तो ये मौलाई जंगल है, और चौथा है डैश माहौल की आलूदगी में इजाफा का सबब है। ये एकदम कॉमन है, आपको समझ में आ ही जाएगा। ए है जंगलात की कटाई, बी है सन्नतों में इजाफा, सी है गैर मुनज़्ज़म शहरकारी, डी है मंदरजा वाला तमाम, तो डी है ना मंदरजा वाला तमाम आएगा। पांचवा है माहौल के तहफ़ से मुतालिक डैश हमारी जिम्मेदारी है, इसमें भी डी जो है मंदरजा वाला तमाम आएगा, क्योंकि ये शजरकारी भी करने की वजह से हमारे माहौल की ये तहफ़ होगा, कुदरती वसाइल जो उनकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और कचरे का हुस्न इंतज़ाम करना भी हमारी जिम्मेदारी है ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का भी है दर्जेल सवाल के जवाब लिखिए, हर एक के लिए एक नंबर है, पहला है एक लफ्ज़ जुमले में जवाब लिखिए, हर एक के लिए एक नंबर, किसी देवता के नाम पर मुख्तस किरदा मुकद्दस समझाए जाने वाला जंगल उसको क्या कहते हैं, तो उसको देवराई जंगल कहते हैं। अगर इसका आंसर आपको देखना है तो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 43 पे येलो कलर का बॉक्स सबसे ऊपर, उसमें लिखा हुआ है किसी देवता के नाम पर मुख्तसर करता और मुकद्दस समझे जाने वाला जंगल को देवराई कहते हैं, यानी यहाँ पे देवराई आएगा। उसके बाद दूसरा है मुतफर्रिक जो अलहदा कि हर एक के लिए एक नंबर है, मगरबी घाट मानस तहफ़ुज़गाह सुंदरबन तहफ़ुज़गाह और मौलाई जंगल, तो इसमें सबसे अलग जो है वो है मौलाई जंगल। तीसरा है पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक़ के मद्देनज़र दूसरी जोड़ी मुनासिब लफ्ज़ या अल्फाज के ग्रुप से मुकम्मल कीजिए, हर एक के लिए एक नंबर है, पहला है रेड पांडा नादर नस्ल अजीमुल अजीमुल जुस्सा शक्कर व गिलहरी, तो इसका जो आएगा जंजीर। अजीमुल जुस्सा सैकड़ों गिलहरी के आगे आएगा गैर मुतयन नस्ले। इसके बाद दूसरा है जंगली बैल डैश एक सींग वाला गेंडा और मानस तहफुज का, तो जंगली बैल जो है उसके आगे आएगा जंगली बैल के आगे आएगा मगरिबी घाट, ठीक है। उसके बाद है चौथा, दिए गए बयान सही है गलत हर एक के लिए एक नंबर है, पहला है कई अफराद मिलकर एक नया जंगल उगाते हैं लेकिन एक शख्स दिल में ठान ले तो पूरा जंगल ख़त्म कर सकता है, ये बयान गलत है, क्योंकि आपकी जो बुक है टेक्स्ट बुक पेज नंबर
42 पे आप आइए, आपको एक ग्रीन कलर का बॉक्स है, उसमें लिखा हुआ है एक मामूल इंसान की गैर मामूल कहानी। तो उसमें बताया हुआ है कि अगर एक शख्स दिल में ठान ले तो पूरा जंगल उगा, यहाँ पे बताया हुआ सही से, कई अफराद मिलकर पूरा जंगल ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर एक शख्स दिल में ठान ले तो पूरा जंगल उगा सकता है, ऐसा सेंटेंस है, मतलब ऐसा। ठीक है, उसके आगे दूसरा है, सिर्फ गैर जानदार अज्जा मिलकर माहौल निज़ाम तैयार होता है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है, हया दोनों भी है, जानदार और गैर जानदार भी है। पांचवा है, ज़ेल में दी गई अलामत क्या जाहिर करती है, हर एक के लिए एक नंबर है, तो जो आपको हाथ में बताया हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं पानी का, पानी बचाओ, है ना, पानी बचाओ लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी है का ए है, साइंसी वजूहात बयान कीजिए, हर एक के लिए दो नंबर है, पहला आलूदगी की एक वसे तस्वीर है, तो इसके आंसर है ना आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39 पे है, आपको एक शक्ल दिखाई गई है, फोटो 4.2, शहर में कोहरा और आलूदगी एक मसला, उसके जस्ट आगे देखिए उस पैराग्राफ में लिखा है, आलूदगी एक वैसे तस्वीर है, हवा पानी आवाज़ तापकार ज़मीन हरारती रोशनी प्लास्टिक की आलूदगी जैसे मुख्तलिफ अकसाम की आलूदगियाँ पाई जाती है, इन तमाम का मुज़ीर असर तमाम जानदारों की वजूद पर होता रहता है, और इसीलिए आज माहौल के तहफ़ की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। इसमें मतलब एक आलूदगी की जो क्यों वैसे तस्वीरें बताई गई है, कितने टाइप्स की आलूदगी सब बताया हुआ है। दूसरा है, मगरबी घाट में एशियाई शेर बब्बर और जंगली बैल का वजूद खतरे में आ गया, इसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर, एक सेकेंड में, पेज नंबर 44 है ना, उसमें है मुल येलो कलर का बॉक्स, इसमें लिखा हुआ है मुल्क में खतरे से घिरे हुए तीन विरासती मुकाम, है ना। तो सबसे ऊपर की जो दो लाइन है, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक तमिलनाडु और केरला, इन 6 रियासतों में फैले हुए मगरबी घाट को कानकुनी की सनत और कुदरती गैस की तलाश करने के लिए शुरू किए गए कामों की वजह से खतरा लाहक हो गया, यहाँ पर एशियाई शेर बब्बर और जंगली बैल का वजूद खतरे में आ गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, माहौली निज़ाम में हर जूस का किरदार अहम होता है, इसका आंसर बता रहे हैं आप पेज नंबर 36 पे आ जाइए, उसमें गौर कीजिए कि नीचे जो है माहौली निज़ाम लिखा हुआ है साइड हेडिंग रेड कलर से, उसका जो पैराग्राफ है वो आप यहाँ सब माहौल की सफाई करते वहाँ तक ले लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, यानी जानदार और गैर जानदार अज्जा और इनकी बाहमी अमल से मिलकर माहौली निज़ाम तैयार होता है, वहाँ से तो लेकर, लेकिन ये जानदार गंदे लगे तब भी बेहद अहम है, वो खुसी तौर पर माहौल की सफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा है, कुदरत में पाए जाने वाले लार्वे गंदी जगहों पर पाए जाने वाले जराशीम दीमक वगैरह माहौल के लिए मुफीद होते हैं, इसका आंसर जो पेज नंबर 36 है उसका जो ये है ना नीचे से जो उसका पैराग्राफ है ना माहौली निज़ाम का, तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 सातवीं लाइन जो है ना, कुदरत में पाए जाने वाले लार्वे गंदी जगहों पे पाए जाने वाले जराशीम दीमक गोबर के कीड़े क्या ये भी मुफीद होते हैं, लेकिन ये जानदार गंदे लगे तब भी ये बेहद अहम है, वो खसूसी तौर पर माहौल की सफाई करते हैं, यहाँ तक आंसर आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, मंदरजल सवाल के जवाब लिखे, हर एक के लिए दो नंबर है, पहला है हवानात और नबातात की बेशुमार नस्लों के ख़तरों से दो चार होने के कोई दो असबाब लिखे, तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं जंगलों की कटाई की वजह से इनकी नस्लें जो है ख़तरे में पड़ रही है, और दूसरा पॉइंट आप लिख लें कि जो क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं इंडस्ट्रीज होती है, तो उनकी जो क्या होते हैं धुआँ और जो उनका गंदा पानी जिसे आबी में किसी नदी में मिला दिया जाए, तो उनमें जो रहने वाले जो हैवानात होते हैं उनका जो नस्लें उन खतरे से हो जाता है, और जो जो गैस होता है ना धुआं काला धुआं एकदम जो दिखता है उसकी वजह से परिंदों का जो नस्लें कई जो परिंदे उनकी नस्लें खतरे में पड़ गए हुए हैं, तो आप ऐसे पॉइंट्स लिख के लेते हैं बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। दूसरा है जिनसी तनों की तारीफ लिखकर मिसाल मिसाल दीजिए, तो इसका पेज नंबर
पेज नंबर 42 पे आइए। उसके बाद आपको है ना वो ग्रीन बॉक्स के नीचे लिखा हुआ है रेड कलर से, माहौल का तहफुज और हयाती तनु, है ना, तो उसमें आपको दिख रहा होगा। उसकी जस्ट नीचे आए तो एकदम डार्क ब्लैक से लिखा है, वह जिनसी तनु, है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो उसमें ही बताया हुआ है एक ही जमात के, जो उसका पैराग्राफ आप लिख लीजिए, उसका आंसर हो जाएगा आपका। मिसाल भी बताया गया होगा उसमें। उसके बाद है हयाती तनु की तारीफ लिखकर उसकी किस्में लिखी, है ना। तो सबसे वही जो आपका पेज नंबर 42 पे जो है माहौल का तहफ़ुज़ और हयाती तनु, आपको कहाँ से उसका आंसर है, माहौल की आलूगी का सबसे बुरा असर जानदारों पर होता है। क्या आपने अतराफ में इसकी कुछ मिसालें देखी है? जानदारों की ये दुनिया तनु से भरी हुई होती, जिसमें तरह तरह के नबाता और हैवानात पाए जाते थे। हमारी पिछली नस्लों से सुनने हुए मखसूस हैवानात और नबाता हमें आज नज़र नहीं आते, इसका जिम्मेदार कौन है? उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ कुदरत में पाए जाने वाले एक ही जमात के जानदार में इनफरादी और मौसदी फ़र्क, जानदारों की जमात में की कई किस्में और मुख्तलिफ माहौल की निज़ाम, इन तमाम की वजह से इन इलाकों में कुदरत को जानदारों की दौलत हासिल होती है। इसको ही हयाती तनु कहते हैं। हयाती तनु में तीन सतह पर नज़र आती। तो देखिए इसके जो पहला लिखना है आपको नंबर एक डाल के, ये जीनी तनु, उसके बाद ग्रोही तनु, उसके बाद तीसरा लिखेंगे माहौली निज़ाम में तनु। ये तीन पॉइंट हो गए, उसकी मिसाल हो गई। और इसकी जो क्या बोलते हैं कि ऊपर तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, लेकिन उसके नीचे जो है ना कुदरत में पाए जाने वाले एक ही जमात, वहाँ से लेके तो हयाती तनु कहते हैं, तो वहाँ तक तो इसकी तारीफ होगा। उसके बाद तीन जो बता दें वो उसकी मिसाल हो गई, है ना। चौथा है गैर मुतलय नस्ली किसे कहते हैं, एक मिसाल लिखिए। तो इसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 45 पे आए। आपको सबसे ज़रा याद कीजिए कि नीचे खतरे से दो चार नस्लों की जमात बनती है ना, तो उसके नीचे चौथा है गैर मुतय नस्लें। इन जानवरों की मखसूस आदतों की वजह से इनकी नस्लों को ख़तरा महसूस हो रहा है। मसलन शर्मना, ऐसी नस्लों के बारे में किसी भी किस्म की खसूसी और ठोस मालूमात हासिल नहीं है। मिसाल के तौर पर शेकर व गिलहरी, बताया ना मिसाल के साथ भी है, तो आप ये आंसर लिख लीजिए, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा है माहौल के तहफ़ के लिए इंसान कौन सा किरदार अदा कर सकता है। तो देखिए आप पॉइंट नंबर एक लेके लिख सकते हैं कि माहौल की तहफ़ के लिए शजरकारी बहुत ज़रूरी है, और जो सनत क्या बोलते हैं पॉल्यूशन जो होती है उन पे रोक लगाना, है ना। दूसरा पॉइंट आप इसको ले लें। तीसरा पॉइंट ये ले लें कि जो माहौल में जो आलूदगी फैल रही है, जिसकी वजह से जैसे प्लास्टिक वगैरह इनका रिसाइकल रीयूज़ रीडस्ट करने की वजह से, ये भी एक अहम पॉइंट हो जाएगा। आप इस तरह दो तीन और पॉइंट लेके बना सकते हैं। छठा है माहौल पर असरअंदाज होने वाले कोई दो अवामिल लिखिए। देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है माहौल के तहफ़ के लिए इंसान कौन सा किरदार अदा कर सकता है। मैंने जो पॉइंट्स बनाए आप वो भी लिख सकते हैं। और आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर ना 41 पे एक साइड हेडिंग दी हुई है, माहौल का तहफ़ हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, वो पूरा पैराग्राफ भी लिखेंगे ना तो आपका आंसर होगा, ठीक है, वो मैं भूल गई थी बताना। छठा जो है माहौल पर असरअंदाज होने वाले कोई दो अवामिल, तो इसका आंसर अब हम देखेंगे। हमारा माहौल है ना वो जानदार और गैर जानदार दोनों से मिलकर बना हुआ है ना, हयाती से भी और गैर हयाती से भी। और देखिए जब आफात आते हैं कुदरती आफात, तो क्या होता है जैसे कि बादलों का फटना, सैलाब, जलजला, आतिशफीशा फटना, इनकी वजह से ये पूरा माहौल बर्बाद कर देते। तो इनके ये दो असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं, आप ये दोनों पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दर्जन सवालत के जवाब लिखे, हर एक के लिए 3 नंबर है। एक है जादू मौलाए प्यानंग की कहानी से आपको क्या सबक मिलता है, जंगलात के तहफ़ के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोला है कि जो आपको जो क्या बोला गया, जादू मौलाई जो प्यांग है उनका जो उनकी जो कहानी है पेज नंबर 42 पे बताई गई है। तो उन्होंने क्या किया था कि पेड़ लगाए थे उन्होंने, सदरकारी की थी। तो इससे हमको क्या सबक मिलता है, इससे हमको जंगलात के तहफ़ के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते कि हम अपने माहौल की तहफ़ के लिए और जंगलात की तहफ़ के लिए
हम शजरकारी कर सकते हैं, है ना। और दूसरा है माहौल के तहफ़ के लिए छः तदाबीरें। तो पॉइंट नंबर एक लिखना, सबसे पहले लिखना शजरकारी लगाना, दूसरा लिखना आलूदगी पर रोक लगाना, और आप आलूदगी की किस्में लिख देना, ठीक है। उसके बाद आप और लिख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ होती है, फैक्ट्रीज़ वगैरह, उनकी जो सनत वगैरह होती है ना, उनको कम करना, ओके। उसके बाद तीसरा है आलूदगी के मसले को हल करना, माहौल के हुस्न इंतज़ाम का मौसर तरीका, इस बयान को साबित कीजिए। क्या बोला कि आलूदगी एक अहम मसला है। अभी आलूदगी कितने टाइप्स की, बहुत टाइप्स की है ना। क्या है कि हवाई आलूदगी है, हवाई आलूदगी है, आबी आलूदगी है, और पानी, सॉरी, वो एक्चुअली में सॉरी एक ही लफ्ज़ है ना, दो दो तीन बार निकल रहा है। देखिए आप बराबर सुनिए, फिजाई आलूदगी है, आबी आलूदगी है, आवाज़ की आलूदगी है, मिट्टी की आलूदगी है, और ऐसे कई और आलूदगी है जो एक बहुत अहम मसला है ना हमारे माहौल में। तो आप इससे साबित कर दीजिए, कर सकते हैं ना, कि इन जितनी भी आलूदगी, इनकी वजह से हमारा माहौल नुकसानदायक हो रहा है, हमारे माहौल को ख़तरा हो रहा है। ऐसे पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है माहौल के तहफ्फुज़ के ताल्लुक से ऐसी कोई तीन सरगर्मियाँ लिखे जो आपको अंजाम देंगे। यानी आपको बताया गया है कि माहौल की जो तहफ्फुज़ के ताल्लुक से कोई ऐसी तीन सरगर्मियाँ बताना है जो आप अंजाम देंगे। आप ऐसा लिख सकते हैं, पहले नंबर एक, देखिए ये जो क्वेश्चंस है, पहला, दूसरा, तीसरा, आप ये चौथा, ये सब ऐसा लगता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, एक ही जैसा है। ये चौथा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी तीन सरगर्मियाँ लिखेंगे। तो आप पॉइंट नंबर एक दे के मंदर, सबसे पहले आप लिखेंगे माहौल के तहफ़ के ताल्लुक से हम मंदरजा झेल सरगर्मियाँ अंजाम देंगे। नंबर एक, शजरकारी करेंगे, जिसकी दूसरा पेड़ कटाई पे रोक लगाएंगे, तीसरा पॉल्यूशन कम करेंगे, जो हमारा आलूदगी है, तीनों आलूदगी, जो तीन चार आलूदगी, उसके किस्में लिख लीजिएगा और उसके बारे में बता दीजिएगा, बोलेंगे बोलेंगे इनको रोक लगाएंगे। तो ये भी आपका तीन तो हो ही गया, तीन से ज़्यादा ही हो गया। पांचवा है नोट लिखिए मुकद्दस देवराय। तो इसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 43 पे आई है। आपको एक येलो कलर का बॉक्स नज़र आ रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है देवराय, वो पूरा आप लिख लो, आपका आंसर हो जाएगा। छठा है, हमने आपको नोट लिखने का आंसर बता दिया। उसके बाद छठा है, ज़मीन हमारे आबा व अजदाद की जानिब से हमें मौरसी हक के ज़रिए नहीं मिली, वो हमें पिछली नस्ल की जानिब से कर्ज मिली है। इस बयान का मतलब वाजे कीजिए। इसके लिए मैंने 5 पॉइंट लिखी हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको मिस होगा तो आप स्किप हुआ तो आप बैक करके सुन लेना और लिख लेना, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर एक है माहौल और इंसान का ताल्लुक अशिया के देखिए वापस से सुनिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओके। पहला है माहौल और इंसान का ताल्लुक इंसान के वजूद के साथ से है। दूसरा पॉइंट है ज़मीन पर इंसान कदम माहौल की पैदाइश के बहुत तवील अरसे के बाद आया है। तवील अरसे के बाद पड़े हैं। तीसरा है इंसान के ज़मीन पर रहते हुए अपनी फहम व इदारिक दिमागी सलाहियत कुव्वते तख़लील की खसूसियात की बिना पर दिगर जानदारों में अपना एक आला मुकाम है। चौथा पॉइंट है, यानी चौथा पॉइंट से पहले जो तीसरा पॉइंट है, यानी आला मुकाम है, उनका अपना एक वजूद है, आगे लिख लेना। चौथा पॉइंट है कुदरत ने इंसान को जो मुख्तलिफ
अकसाम की वसाइल दिए हैं। उन वसाइल का इंसान भरपूर इस्तेमाल करता है और किया है। वह अपनी ज़िंदगी को आरामदार और खुशहाल बनाने के लिए कुदरत से जितना हासिल कर सकता है उतना हासिल किया। पांचवा पॉइंट है, अब इस ज़मीन को बर्बादी से बचाने की हमारी बारी है, क्योंकि हमारे बाद आने वाली नस्लों को इन्हीं सैयारे पर वजूद को कायम रखना है। देखिए, हमने पांचवी पॉइंट तक बता दिया आपको, ठीक है। पांचवा पॉइंट यहाँ हमने आपको बताया कि अब इस ज़मीन की है ना, वहाँ से है। और उसके बाद है सातवा, हयाती तनु के तीन सतह के बारे में लिखिए। तो हयाती तनु की सतह जो है तीन, आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 42 पे आइए, वहाँ पे लिखा हुआ है माहौल का तहफ़ और हयाती तनु। तो आप वो जो नीचे है ना कुदरत में पाए जाने वाले, वहाँ से तो लिखा हुआ है हयाती तनु की सतहों पे नज़र आते हैं। तो तीनों जो है, नंबर एक जिनसी तनु, दूसरा है ग्रोही तनु, और तीसरा है माहौली निज़ाम तनु। ये तीनों लिख लेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मंदारा जिले में से कोई एक सवाल हल कीजिए। हर एक के लिए 5 नंबर है, यानी आपको ये करना है या तो फिर ये करना है पैराग्राफ या तो फिर वो। तो चलिए, हम लोग पैराग्राफ ही ईजी पड़ता है हमको, है ना, हम लोग पैराग्राफ ही सॉल्व कर लेते हैं। आज ज़मीन पर कई कुदरती और इंसान के पैदा करदा अज्जा के असर की वजह से कई माहौल मसाइल पैदा हो गए। इनमें माहौल आलूदगी एक अहम मसला है। आमतौर पर किसी भी चीज़ या मादे का आलूदा होना यानी आलूदगी है। माहौली आलूदगी यानी कुदरती आफत या इंसान के अफवाल की वजह से अतराफ के माहौल में गैर ज़रूरी और नाकाबिल कबूल तब्दीली है। इंसानी आबादी का धमाका, तेज़ी से बढ़ने वाली सनअतें, कुदरती वसाइल का बेजाजा इस्तेमाल, गैर मुनज़्ज़म शहरकारी वगैरह वजूहत माहौल की आलूदगी में इजाफा का बाश बनती है। तो पहला क्वेश्चन है माहौली मसाइल पैदा होने की वजह लिखिए। तो सबसे पहला है कि ज़मीन, तो पहला जो है क्वेश्चन था हमारा माहौली मसाइल पैदा होने की वजह लिखिए। तो आप ये लिख सकते हैं, ज़मीन पर कई कुदरती और इंसान की पैदा करदा अज्जा के असर की वजह से कई मसाइल पैदा हो गए हैं। इनमें आप अब लिख सकते हैं कि इंसान की पैदा करदा की वजह से, यानी इंसान की जो पैदा करदा आफतें हैं उनकी वजह से हमारे माहौल को कितना नुकसान होता है, हमारा माहौली निज़ाम तबाह भी हो सकता है ना। दूसरा है कोई एक माहौली मसला लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि जैसे कि माहौली मसले में बादलों का फटना, तूफान और आतिशफिशा फटना, सैलाब है ना, और ये जलजले, चट्टानों का खिसकना, ये सब भी लिख सकते हैं। तो इसमें से कोई एक ही लिख दीजिए तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, मतलब इसमें बहुत सारे नाम दिए थे। तीसरा है ऐसी दो वजूहात जो माहौल की आलूदगी में इजाफा का बश लिखी। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी दो वजूहात लिखनी थी जो माहौल का, तो आप लिख सकते हैं इंसानी आबादी का धमाका है, तेज़ी से बढ़ने वाली सनअतें है, कुदरती साइल का बेजाज़ इस्तेमाल है, और गैर मुनज़्ज़म शहरकारी है वगैरह वजूहात माहौल की आलूदगी में इजाफा का बश होने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा है इंसान किस तरह माहौली मसाइल पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार है। देखिए, इंसान है ना टेक्नोलॉजी में तरक्की करने के लिए बहुत सारी, जो क्या बोलते हैं कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए ना बहुत सारी चीज़ जो हमारी जो कुदरत से हासिल हुई चीज़ है उनको ख़राब कर देता है। तो इसीलिए इस तरह से जो इंसान है ना, जो अपने माहौल की बर्बादी का अपना ज़िम्मेदार है, ठीक है। ये तो दूसरा बता दी, लेकिन पहला भी ये बता दे रही हूँ मैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से कोई एक करना था तो हमने दूसरा आपको बता दी। पहला है माहौल के तहफ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ सतहों पर कोशिश की जाती है। इन सतहों पर कोशिश करने वाले का मखसूस मुकाम होता है। ज़ेल में से चंद किरदार दिए गए, आप इनमें से किस किरदार को पसंद करेंगे, क्यों, हर काम के दो काम लिखे। देखिए, इसमें तीन क्वेश्चन दिए गए हैं और कोई भी आप एक लिखेंगे ना, मतलब इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें से कोई एक ही करने बोला, यानी आपको दो ऑप्शन दिया है, एक ये वाला और एक जो आपको हमने बता दिया वो। तो ये पहले वाला भी हम बताएंगे। इसमें क्या बोला है कि अगर ये जो
ए है पाबंदी, बी काबू, सी है पैदावार, डी है तशीर और ई है निगाह दश्त। इन पांचों में से आप क्या करना पसंद करेंगे और क्यों करेंगे, ये बात पूछ रहा है। और हर एक के दो काम लिखे। तो पाबंदी किस चीज़ पे लगाएंगे, पाबंदी है यानी जैसे कि हम लोग पाबंदी लगा सकते हैं कि पेड़ कटाई पे पाबंदी है ना, कानून जिसको बताया गया है। काबू भी, काबू हम रोक सकते हैं उनको। अब पैदावार, ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करके पेड़ पौधे लगा के उनकी पैदावार कर सकते हैं। और तशहीर है जो अवेयरनेस है वो, और निगाह दश्त। तो आप इस तरह के लिख सकते हैं। और यहाँ तक आप हमारा जो हमारा थर्ड चैप्टर था, सॉरी फोर्थ चैप्टर जो था वो हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लें ताकि